डियर स्टूडेंट्स, कल 10 नए टॉपिक्स आपको दिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आप इस पर कमिटेड होकर काम कर रहे होंगे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर इन टॉपिक्स पर आप ध्यान लगाकर काम करेंगे तो मल्टीफोल्ड आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इसके आगे पीछे काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ने के दौरान पढ़ लेते हैं, तो आप इस पर ध्यान लगाएं, कमिटेड होकर। किसी भी तरह की दिक्कत है आप हमें कमेंट करें, साथ ही पेज नंबर को लेकर जो भी दिक्कत है उसे भी बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। आज का ये एपिसोड काफ़ी कुछ बदला हुआ है, एकदम नया है। इस एपिसोड का उद्देश्य है उन छात्रों का हेल्प करना जो थोड़े कमज़ोर हैं। देखिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ लेते हैं, जो तेज़ हैं, हम कहेंगे कि उन्हें इस एपिसोड में थोड़ी मायूसी होगी, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली वीकर सेक्शन के लिए, कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। क्योंकि काफ़ी सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, और ये इस पुराने स्टूडेंट्स इसे बना लेंगे, लेकिन जो मीडियोकर हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं, उनके लिए दिक्कत आती है। इस एपिसोड को कम से कम समय में कवर करने का कोशिश किया गया है, इसमें ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं होगी। उद्देश्य है कि फैक्ट्स बेस्ड इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट किया जाए, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट दिख सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि क्वेश्चंस तो ये 30 हैं, लेकिन इसके जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस हैं वो दुगने और तिगने बेनिफिट वाले हैं। यानी कुल मिलाकर हम मानेंगे कि ये सेट दरअसल 100+ क्वेश्चंस का सेट है, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है। आइए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव साथ में नहीं मिलेंगे, ये वन लाइनर है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें नया है और आपके लिए ये कितना लाभकारी है। पहला क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल यानी जीरो आवर का टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 1 बजे। दरअसल संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है तो पहला जो उसमें काम होता है वो होता है, पहला सेशन उसका जो होता है वो प्रश्नकाल होता है, यानी क्वेश्चन आवर, जो 11 से 12 बजे चलता है। 12 से 1 बजे के बीच जीरो आवर, चूंकि ठीक 12 बजे ये शुरू होता है इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। आप जानते होंगे संसद का उद्घाटन 1927 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मदर इंडिया के लेखक का नाम क्या है, मदर इंडिया बुक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो अमेरिकी इतिहासकार थी, उन्होंने 1927 में ये बुक आई और इसमें उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स में लिखा है। आज का तीसरा क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1919 में गठित हुई। आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसकर हुआ था, जो दरअसल जनरल डायर का कारनामा था। बाद में जनरल डायर की हत्या 1940 में लंदन में उद्धम सिंह ने कर दी थी। आज का चौथा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, शामिल किया गया है, राइट टू एजुकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 21A। दरअसल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी एक्ट आया और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, और इसे संविधान में मूल अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में अनुच्छेद 21 में जगह दी गई। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लेख है। पांचवा क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, यानी एलॉय है जर्मन सिल्वर, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर जिंक निकल। आज का छठा क्वेश्चन, देखिए आपको मिश्र धातु कर लेना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिश्र धातु कर लेना चाहिए, एग्जाम में दिखते हैं। छठा क्वेश्चन, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन इसे ठंडा करके, लिक्विफाई करके इसे जमा लिया जाता है और तब ये आइस की तरह दिखता है, इसलिए इसे ड्राई आइस कहते हैं, यानी गैस को सॉलिड के रूप में बनाकर इसे कूलिंग में प्रयोग किया जाता है, तो इसे ड्राई आइस कहते हैं। सातवां प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में बोत्सवाना और नामीबिया के बीच ये कालाहारी मरुस्थल है। आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा विश्व का जो डेजर्ट है, मरुस्थल है यानी रेगिस्तान है, उसका नाम है सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। आठवां क्वेश्चन,
38 डिग्री पैरेलल लाइन यानी 38 डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित बाउंड्री है? 38 डिग्री समानांतर रेखा, तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहां पर आप जानते होंगे कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन कहलाता है। नवा क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 में, तब लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे। आप ये भी जान लें कि भारत में दशकीय जनगणना यानी हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। दसवां क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। दरअसल मगध का पहला शासक बिंबिसार था, बिंबिसार जिसकी राजधानी राजगीर थी, उसका बेटा था अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। 444 BC में यानी 444 BC में उदयन ने शासन किया था, आखिरी शासन का उसका साल था 444 BC। 11वां क्वेश्चन, कैल्सिफेरॉल किसका वैज्ञानिक नाम है? कैल्सिफेरॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। जानते होंगे कि आप विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। यहां पर आप जानते होंगे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, जिससे जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन के नाम आपको जानने चाहिए, सारे विटामिन वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। आज ही आप इस टॉपिक को कर लें। 12वां क्वेश्चन, सूर्योदय का देश कौन कहलाता है? द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। यहां पर यह भी आप जान लें कि सूर्यास्त का देश द लैंड ऑफ सेटिंग सन कहलाता है नॉर्वे। आज का 13वां क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है यानी राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में करनाल, ये रेगुलर दिखाई देता है, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 14वां क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? कुनैन ये मलेरिया की दवा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना पेड़ के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। 15वां क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, नौरोजी जो एक पारसी थे और ये भारत के सबसे वो ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं। महात्मा गांधी भी इन्हें अपना गुरु मानते थे, हालांकि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 16वां क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ सन, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। यहां पर ये जान लें, संलयन फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, तो जब दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो हीलियम नाभिक बनता है, तो इसी फ्यूजन से दरअसल हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण सूर्य की ऊर्जा का आधार है। यहां आप ये भी जान लें कि एटम बम न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन के कारण, उसका जो थ्योरी है एटम बम का वो नाभिकीय विखंडन की थ्योरी है, जिसमें इसका ठीक उल्टा है, एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे नाभिक में उसमें बदलता है, जबकि यहां पर दो छोटे नाभिक जुड़ते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1H1+1H1 2H4 बन जाता है। आज का 17वां, तो ये आप ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य की ऊर्जा का आधार है। 17वां क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है टोटल गैस का, लेकिन इस नाइट्रोजन को पौधे नहीं लेते, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं अपनी जड़ों से, जो मिट्टियों से ये प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में, सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते पौधे। दरअसल मिट्टियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट में बदल देते हैं और तब ये नाइट्रेट पौधे उसकी जड़ों से लेते हैं। भारत का 18वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा लॉन्गेस्ट बाउंड्री भारत का किस देश के साथ लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश चीन पाकिस्तान भारत के टॉप 3 बाउंड्री वाले देश हैं। सबसे लंबा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 5000 किलोमीटर का लेंथ है। सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है और दूसरी सबसे छोटी बाउंड्री भूटान के साथ। 19वां क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर सेकंड। 1806 से लेकर 1837 के बीच अकबर सेकंड ने शासन किया था, जो मुगल राजा था। आप जान लें कि अकबर सेकंड शाह आलम सेकंड का बेटा था, जो बक्सर के युद्ध में हारा था, और यानी शाह आलम सेकंड का बेटा, और इसका बेटा बहादुर शाह जफर था, यानी अंतिम मुगल बादशाह। तो राजा राम मोहन को राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, जो आलम शाह आलम का बेटा और बहादुर शाह जफर का पिता था। भारी जल, 20वां क्वेश्चन, भारी जल यानी हेवी वाटर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, इसलिए कि यह हाइड्रोजन के भारी, हाइड्रोजन तीन रूपों में मिलता है प्रायः, H1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन का जो भारी रूप है ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं, उससे उस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ये भारी हाइड्रोजन या हेवी वाटर यानी भारी हाइड्रोजन तैयार होता है, जिसका मुख्य यूज है, जो मेन यूज है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में। वहाँ जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को ये धीमा करने के लिए, यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के स्पीड को धीमा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे कि भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रतिक्रिया है उसको धीमा करने के लिए होता है, स्लो डाउन करने के लिए। 21वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आप जानते होंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपन फंक्शनल हुआ, जो दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद विश्व में एक ऐसी संस्था के निर्माण के उद्देश्य से प्रेरित था जिसकी बात हर कोई माने। तो दरअसल यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 22वां क्वेश्चन, अभी आप जान लें कि 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। 22वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका आंसर हो जाएगा J.B. कृपलानी। ये 1946 में अध्यक्ष बने थे और 47 में आज़ादी के समय ये अध्यक्ष के रूप में विराजमान थे। आप जानते होंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब W.C. बनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 23वां क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ABCDE बहुत सारे विटामिन हैं, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा B और C। बी और सी वाटर सोल्यूबल है, जबकि रेस्ट जो विटामिन हैं वो फैट सोल्यूबल हैं। आज का 24वां क्वेश्चन, GST किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और बोथ? तो इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। आप जानते होंगे कि GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर, जो दरअसल सबसे पहली बार 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। 25वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया था, फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा शनमुगम शेट्टी। 26 नवंबर 1947 को शनमुगम शेट्टी ने स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया था। 26वां क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रणेता यानी इसके कौन थे, इस थॉट को चलाने वाले, योग दर्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। 27वां क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहां पर अगेन आंसर हो जाएगा इसका दादा भाई नौरोजी। ये फिन्सबरी पार्लियामेंट्री सीट से जीते थे और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। 1892 में ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। आप जान लें कि अभी भी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने के लिए आपको ब्रिटेन का नागरिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि ब्रिटेन, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल देशों का कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बन सकता है। 28वां क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। गुजरात में नर्मदा नदी पर यह सरदार सरोवर बांध स्थित है। आपको बांधों के बारे में जानकारी रखना होगा, इस पर रेगुलर प्रश्न आते हैं। 29वां क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? किस लोक, नंबर बताना है आपको, किस लोकसभा का?
तो इसका आंसर है पांचवीं लोकसभा, 1971 से 77 के बीच पांचवीं लोकसभा चली। दरअसल इंदिरा गांधी अपने शासनकाल को स्ट्रेंथन करने के लिए चाहते थे कि चुनाव कम से कम समय में आए, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि बाद में जनता पार्टी जब आई तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फिर से 6 साल को 5 साल कर दिया गया। आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भानु अथैया। भानु अथैया को 1982 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यानी जो ड्रेसेस हैं वो उसके लिए कॉस्ट्यूम के लिए इनको पहली बार ये पहली भारतीय थी, ये महिला थी जिन्हें दरअसल मिला था ऑस्कर अवार्ड। तो बस आज के इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे। आपको अपने कमेंट बॉक्स में आप दें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये ठीक लगेगा तो ये रेगुलर चलेगा। मुझे ये मानना है मेरा कि इस एपिसोड में कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ है, रिवीजन वर्क होगा, आपको सिर्फ कान में लगाकर इसे सुनना है, इसमें ज़्यादा डायलॉग नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशंस में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस निकल कर चले आते हैं जो दरअसल मल्टीफोल्ड फ़ायदा आपको पहुँचाते हैं। तो यहीं पर रोकेंगे आज के इस एपिसोड को, बहुत जल्द दूसरा एपिसोड आएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।